हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मैक एंड चीज़ मकरोनी। तो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे रेड बेल पेपर और लेंगे येलो बेल पेपर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने दोनों साइड से काट लिया और हम इसे अब शेप देंगे अच्छी सी, जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप नहीं देते शेप, हम वैसे ही शेप देंगे इसे। हमने येलो बेल पेपर भी एकदम डाई स्लाइस में काट ली और हम अब काटेंगे मशरूम। अब हम पैन में डालेंगे बटर और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मेल्ट। ये हमारा बटर हो गया एकदम मेल्ट और इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स और इसे हम 2-3 मिनट करेंगे सौते। अच्छी तरह से हमें इसे कर लेना है सौते, ताकि ज़्यादा नहीं करना, इसका क्रंच करना। और इसमें डालेंगे हम वाइट पास्ता ड्रेसिंग के 2 स्पून्स और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। ये थोड़ी सी थिक थी तो हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया ताकि इसे अच्छी तरह से हम पका सकें। ये देखो, ये हमारी ये ग्रेवी एकदम रेडी है और हमने इसमें ऐड किया स्वीट कॉर्न, देन इसमें ऐड किया हमने चिल्ली फ्लेक्स, आफ्टर दैट इसमें ऐड किया हमने थोड़ा सा ऑर्गेनो फॉर टेस्टिंग और इसके बाद हमने थोड़ी सी ऐड की ब्लैक पेपर और सॉल्ट। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हो आपको कैसा चाहिए। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी वाइट पास्ता सॉस तो एकदम रेडी है और इसमें हमने डाला था लास्ट में थोड़ा सा चीज़। हमने चीज़ को अच्छी तरह से एकदम मेल्ट कर लिया और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल की हुई मकरोनी। ये हमने बॉयल की हुई मकरोनी डाल दी और इसे हम अच्छी तरह से सब में मिक्स करेंगे ताकि फ्लेवर इक्वली आए सभी में। बनाते हुए फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही थी ना, टू गुड। ये हमारी मैक एंड चीज़ मकरोनी है रेडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो घर में एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।